गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स। डियर पेरेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नर्सरी में सिलेबस में क्या क्या होता है, यूजुअली क्या क्या पढ़ाई होती है। तो वो तीन जो है रहता है उनका सब्जेक्ट, एक राइम्स होता है जिसमें कविताएं होती है इंग्लिश हिंदी की, और लैंग्वेज होता है इंग्लिश और हिंदी और मैथ्स। अब इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सिलेबस में नर्सरी का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश में ओरल होता है, रिटन भी होता है। ओरल में आपको ए टू जेड बोलने की प्रैक्टिस करानी है, कैपिटल लेटर हो और उसके बाद स्मॉल लेटर ए टू जेड वो लिखने की प्रैक्टिस करता है। रिटन प्रैक्टिस वो कॉपी में करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि जब वो रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो स्टार्ट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल उनको ए लिखना है, तो अब आप एकदम से ए लिख देंगे इस तरह से तो वो बच्चा नहीं लिख पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगा। उसके लिए हमको उसकी पहले से तैयारी करनी होती है। तो स्टार्ट करें उसको कॉपी में तिरछा स्लैंटिंग वे में उसको डॉट बना के दें, और डॉट आप बना के देंगे, आप बच्चे को बोलिए इस डॉट को मिलाओ, ये पूरा एक पेज देंगे उनको। उसके बाद दूसरे साइड वो झुका हुआ लाइन होगा तिरछा, और डॉट डॉट बना के देंगे आप कॉपी में थोड़ी थोड़ी दूर में, और बच्चे से कहेंगे आप इसको मिलाओ, और ये पूरे एक पेज में होगा ताकि उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए लाइन खींचने की, क्योंकि उसका हाथ पहली बार वो पेंसिल पकड़ रहा है तो उसकी ग्रिपिंग भी आनी चाहिए उसको, तो वो धीरे धीरे ही आएगी। उसके बाद जब आपको इस तरह से बनानी हो तो फिर से यहाँ पर आप इस तरह से डॉट बना के दें और उससे कहें कि इस डॉट को मिलाओ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप उसको ए बना के देंगे, तब वो इजीली ए बना लेगा। अब आप आइए हिंदी की तरफ। हिंदी लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ते हैं बच्चे नर्सरी में, तो वो होता है मौखिक में होती है हिंदी कविता, और होता है स्वर जिसमें वो अ से अह तक, और व्यंजन होता है क से ह तक, ठीक है। अब उनको हिंदी कॉपी में लिखना कैसे सिखाया जाए, तो देखिए उसकी स्टार्टिंग भी आपको कैसे करनी है। स्टेप वन में जब लिखित आप उसको लिखित अभ्यास कराएंगे तो सिंगल लाइन कॉपी में उसको आप डॉट डॉट बना के दीजिए, पूरे एक पेज में थोड़ी थोड़ी दूर में डॉट डॉट बना के दीजिए, और उनसे कहिए कि इस डॉट को आप मिलाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उनको अ लिखना सिखा रहे हैं तो एकदम से हम उनको अ बनाना नहीं सिखा सकते, तो उसके लिए धीरे धीरे ही उनको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट उसमें आप लाइन खींच दीजिए, यहाँ डॉट बनाइए और उनसे कहिए कि इस डॉट को मिलाइए, ये देखिए। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में देंगे उनको इस तरह से, और जब वो ये इतना लिख लें तब आप उनको एक नए पेज में इस तरह से अ बना कर दें। और आप अ कैसे बनाएंगे, आप सीधे सीधे इस तरह से अ नहीं बनाएंगे, आप उसको
डॉट 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 बना के देंगे और पूरे एक पेज में देंगे ताकि बच्चा जो है उसको लिखना सीख ले, उसमें हाथ घुमाते घुमाते उसको लिखना आ जाएगा। अब आते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स में ओरल प्रैक्टिस में मौखिक जो अभ्यास है आप उसको 0 से 100 तक करा दीजिए, बैठे बैठे खेलते हुए कैसे भी वो बोल लेगा आपके साथ। और रिटन प्रैक्टिस उनको कॉपी में करनी होगी और वो होगा सिर्फ 0 to 20। तो अब उसको 1, 2, 3 कैसे स्टार्ट करना सिखाएं। यहाँ भी आप बॉक्स वाली कॉपी में जो बॉक्स होता है ठीक उसके बीच में आप 2 डॉट बना दें पूरे पेज में और उसके बाद उसे कहें इस डॉट को आप ज्वाइन करिए। फिर आप एक नए पेज में आप उसको इस तरह से बना के देंगे या आप हो सके तो आप डॉट बना के दीजिए। थर्ड स्टेप में आप उसको इस तरह से फिर से डॉट बना दीजिए और उनसे कहिए कि इस डॉट को ज्वाइन करो। फोर्थ स्टेप में आप उनको 2 लिखने के लिए देंगे, फिफ्थ स्टेप में 3 लिखने के लिए देंगे, सिक्स स्टेप में 4 लिखने के लिए देंगे, 5 थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो 5 के लिए आप एक पेज में आप इस तरह से बनाकर उसको देंगे और आप उसको डॉट 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 बना के देंगे। इतना हाथ घुमाएगा उससे वो पूरे एक पेज में, उसके बाद वो 5-5 उसको पेज में लिखना सिखाइए। तो इस तरह से वो धीरे 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 1, 2, 3 लिखना सीख जाएगा। तो डियर पेरेंट्स देखिए आपको मैंने पूरे बहुत अच्छे से बता दिया। अगर कोई आपको क्वेरी हो कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, मैं आपकी समस्या को दूर करूँगी। ओके टिल देन बाय बाय।